हाय फ्रेंड्स, आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। गाइस, अगर आप वृक्ष का बिजनेस कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत काम आ सकता है। और वैसे भी अगर आपके पास वृक्ष बिजनेस की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियोस। फ्रेंड्स, अभी आप जो देख रहे हो वो मटेरियल है, तो आज हम उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कच्चे ब्रिक्स में से पक्के ब्रिक्स हमें रेड ब्रिक्स बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल डालना पड़ता है। और गाइस, वैसे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की कमेंट आ रही थी कि 50,000 ब्रिक्स में कितना टन कोल डालना पड़ता है और कौन कौन सा मटेरियल और वाइट मटेरियल के बारे में कुछ ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे, तो उसी के बारे में मैंने आज एक वीडियो बनाया है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी डिटेल। फ्रेंड्स, मटेरियल की डिटेल्स जानने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि कच्ची ईंटों बनाने के लिए क्लाई में मटेरियल डालना पड़ता है तो ही ब्रिक्स की स्ट्रेंथ और अच्छी रेड होती है। गाइस, अगर कच्ची ब्रिक्स में कौन कौन सा मटेरियल डालना पड़ता है वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर रख दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर सीइंग द स्टॉक ऑफ वुड्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ द वुड्स इन अ ब्रिक्स किल्न। दोस्तों, आप ऐसा ही वुड यूज़ करें जिसमें डेंसिटी और थिकनेस ज़्यादा हो। होलो वुड्स यूज मत करें। अब इन खोखला लकड़ियों का ब्रिक्स किल्न में इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, ब्रिक्स किल्न में ड्राई वुड्स और वेट वुड्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इफ़ पॉसिबल यू कैन यूज़ द ड्राई वुड्स। ओके, एंड ड्राई वुड्स अच्छी तरह से जल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स किल्न में वुड का इस्तेमाल कैसे करें और कहां करें, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं हाउ टू मेक अ रेड ब्रिक्स, तो आप वो वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप ये पाउडर देख रहे हो, ये बिट्यूमिनस कॉल का पाउडर है। फ्रेंड्स, अगर हम बिट्यूमिनस कॉल को एंथ्रेसाइट कॉल से कंपेयर करें तो बिट्यूमिनस कॉल की बर्न कैपेसिटी और टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसलिए ये थोड़ा रीजनेबल में मिलता है। और फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप ब्रिक्स किल्न में यानी कि ईंट के भट्ठे में ब्रिक्स की तीन या चार चार लाइन के ऊपर आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोल का ट्रक लेते हो या फिर कोई भी कोल पाउडर लेते हो, उसको चालन करना अति आवश्यक रहता है ताकि फ्रेंड्स हम मटेरियल यानी कि कोल को सॉर्टिंग कर सकें। आप यहां देख सकते हो, इस पाउडर में हमने चालन किया है, एक साइड एकदम प्योर पाउडर और एक साइड थोड़ा बड़ा वाला मटेरियल देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड, इस ब्लैक पाउडर का दूसरा इस्तेमाल हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो वो कॉल ब्रिक्स है। आपने अभी अभी जो ब्लैक पाउडर देखा उसका दूसरा इस्तेमाल कॉल ब्रिक्स बनाने में होता है, यानी कि इस पाउडर को अगर हम कॉल ब्रिक्स बना दें तो इसकी बर्न कैपेसिटी कॉल जैसी हो जाती है। और फ्रेंड्स, पाउडर की बर्न कैपेसिटी ज़्यादा हाई नहीं होती है, इसीलिए अगर हम उसको कॉल बना दें तो ज़्यादा फायदाकारक रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि इस कॉल ब्रिक्स को बनाना कैसा है, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर योर नॉलेज, इट इज़ नॉट अ कॉल, इट इज़ अ लाइक अ कॉल। आप इसका इस्तेमाल कॉल की तरह कर सकते हो। ब्रिक्स किल्न में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप अभी जो वीडियो में देख रहे हो वो हमने कॉल की तरह इसमें कॉल ब्रिक्स डाल दिया है। दो
दोस्तों, कॉल के बारे में ज़्यादातर फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे, तो चलो अब कॉल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो एंथ्रेसाइट कॉल है। अगर आप ब्रिक्स बिजनेस कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो गाइस आपको ये कॉल यूज़ करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा कॉल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, कर सकते हो, लेकिन इस कॉयले की बर्न कैपेसिटी लिग्नाइट बिटुमिनस सभी कॉल की कंपेयर में बर्न कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप दूसरा कॉल का इस्तेमाल करते हो या फिर करना चाहते हो तो इस कॉल को उसमें मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। फ्रेंड्स, 50,000 ब्रिक्स बनाने के लिए गुड़ के साथ 5 से 6 टन कॉल की ज़रूरत पड़ती है और वो मट्टी और मट्टी में डाले हुए मटेरियल को डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, सभी कॉल को उसमें सॉर्टिंग करके बड़ी मात्रा में होता है तो उसको फोड़ कर मीडियम मात्रा में उसको करना चाहिए। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो तो उसका चालन करके उसका पाउडर भी निकालना पड़ता है गाइस। तो फ्रेंड्स, 80% फ्रेंड्स इसी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये व्हाइट मटेरियल क्या है। चलो देखते हैं आगे, स्टे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो में जो व्हाइट मटेरियल देख रहे हो ये सॉल्ट है, यानी कि नमक है। तो चलो फ्रेंड्स, जानते हैं इस मटेरियल को यूज़ कहाँ करें। फ्रेंड्स, ब्रिक्स किल में आप जहाँ कोयले का इस्तेमाल करते हो उसी के ऊपर आपको थोड़ी मात्रा में सॉल्ट डाल सकते हो, और जहाँ आप पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो उस पाउडर में भी आप मिक्स कर सकते हो। याद रखो गाइस, इस सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानकारक होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, सॉल्ट यानी कि नमक डालने से ब्रिक्स की कलर रेड कलर की मात्रा ज़्यादा आती है और कस्टमर को रेड कलर वाली ब्रिक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, तो इसीलिए इस सॉल्ट का इस्तेमाल काफ़ी फायदाकारक होता है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही कुछ बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।